आज हमारा टॉपिक है क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 साथ करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें ताकि लोगों को फायदा पहुंचे। तो अभी देखिए सॉल्व करने जा रहा है, हमने सी डिफाइन करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले सी है तो किस चीज की कीमत लिखूंगा? सी की कीमत लिखूंगा। सी की कीमत क्या है? 3, 4, 1 कर दो। फिर डी की कीमत लिखूंगा। डी की कीमत क्या है? 1 - 2, 1 - 1, 2, 3। उसके बाद क्या करूंगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 1 और फिर 4 + 4 − 1 और 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 3। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ आएगा 3 − 2 + 4 − 2 और 3। इस तरह सेकंड रो को फर्स्ट रो 1 + 2 × 1 और 2। फिर 1 × 2 + 2 × 2 और 3। देखिए अब बहुत ही आसान है। सी डी इक्वल क्या हो जाएगा? 3 × 1 = 3। छोटे देखिए ये प्लस माइनस माइनस 4 / 2 क्या हो जाएगा? 2। सही है, या आप इसको इधर भी काट सकते हैं, भी आ जाएगा आपके पास माइनस 3 × 2 = 6। फिर ये प्लस 4 × 2 = 8 और ये क्या हो जाएगा? 3। फिर ये आ जाएगा आपके पास 1, ये कितना आ जाएगा? ये 2 आप इधर भी काट सकते हैं, 2 कैंसिल हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 2 × 2 = 4 डिवाइड कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अभी हम आज देखिए इस साइड को लेकर कम, ये 2 × 1 = 2 × 2 = 4 कितना बचेगा हमारे पास? सी डी इक्वल ये क्या आ जाएगा? 3 − 2 क्या बचेगा? 3 − 2 = 2। और इसका मैंने क्या कर लिया था अपनी कैसे, इसका मैंने एलसीएम निकाला। एलसीएम क्या है? 3 है, ये 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास आज 3 × 6 = 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 × 6 = 18। ये एलसीएम 3 है, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो यह आपके पास आ जाएगा सिर्फ 8। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इधर रेफ पे आप देखिए, इधर देखिए यह देगा माइनस 6 और प्लस 8 और 3, तो ये 3 मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और ये 3 यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ये माइनस 18 हो जाएगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसी तरह जाएगा नीचे क्या जाएगा? वही 3 जो एलसीएम है, ये 1 से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 0। और यहाँ पे भी एलसीएम है, यहाँ पे आप दोबारा देखिए, यहाँ 3 लिखे एलसीएम है, ये 3 यहाँ पे भी सॉल्व करें माइनस 6 हो जाएगा और यही 3 यहाँ जरूर होगा तो 3 कट जाएगा, तो सी क्या हो जाएगा? 4। आप ये देखिए आपके पास आ गया सी डी इक्वल, तो इसे क्या ये क्या जाएगा? 1 और ये क्या जाएगा? 0। ये 18 से 8 जाएगा माइनस 10 बड़े से के अलावा आगे लगाना है, और ये माइनस 2 क्या आ जाएगा? 3। तो ये आपके पास क्या है? आंसर। अभी हम मजीद नहीं काट सकते, समझ गए कि नहीं? यस सर।